हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज ऑप्शंस के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जिसने मैंने आज इस हाई वॉलेटाइल मार्केट में भी एग्जीक्यूट किया था और उसके अंदर प्रॉफिट निकाला है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आज ही इसको अपनी वेबसाइट में शेयर किया है। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया है इंडेक्स कवर्ड कॉन्ट्रा स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक बैंक निफ्टी की कॉल और पुट हम बाय करते हैं और साथ ही साथ निफ्टी की दो कॉल एंड पुट हम सेल करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस की हम बैंक निफ्टी बाय करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बैंक निफ्टी हम सेल करेंगे और कौन सी स्ट्राइक प्राइस की निफ्टी और निफ्टी की कॉल एंड पुट हम बाय एंड सेल करेंगे, ये सारा कुछ एक एल्गोरिथम से डिसाइड होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वॉलेटाइल इंडेक्स है, कौन सा कम वॉलेटाइल इंडेक्स है, और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ को बाय करना है, सेल करना है और कौन सी चीज़ को, कौन सी स्ट्राइक प्राइजेस हमको चूज करनी है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूं अपने वेबसाइट पर। तो आपको सबसे पहले आना है हमारी वेबसाइट pivottrading.co.in पर। यहां पर आने के बाद में आपको आना है टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू में आने के बाद में आप इसको जीरोधा में, अपस्टॉक में, एलाइसमेंट में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक टूल है इसको अगर आप अपस्टॉक में, क्योंकि इसको फिजिबिलिटी अपस्टॉक के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि अपस्टॉक के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, हाई वॉलेटाइल वाले दिनों के अंदर हम डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। तो जीरोदा और अलाइज ब्लू शायद आपको इन ऑप्शंस के अंदर काम करने की इजाज़त ना दे, बिकॉज ऑफ उनके कुछ ओपन इंटरेस्ट के क्राइटेरिया होते हैं, उसकी वजह से वो आपको शायद काम ना करने दें इन स्ट्रेटेजीज के अंदर या इन ऑप्शंस के अंदर। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपस्टॉक के अंदर, अगर आपका अकाउंट है तो आप अपस्टॉक के अंदर इन स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपस्टॉक के अंदर दिखाता हूँ और साथ ही साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाऊंगा, जहाँ पर मैंने इन स्ट्रेटजीज को दो बार अप्लाई किया था और दोनों बार किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। और मेरी छोटी सी जल्दबाजी के कारण 15 मिनट अगर मैं और रुक जाता तो शायद वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाता था। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टूल्स मेन्यू में आना है। टूल्स मेन्यू में आने के बाद में आपको अपस्टॉक टूल्स में आना है। यहाँ पर आपको हेजिंग टूल्स में आना है और हेजिंग टूल्स में आपको दिखाई देगा इंडेक्स, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर हम स्ट्रैंगल के अंदर काम कर रहे हैं, हम स्ट्रैंगल को कवर्ड स्ट्रैंगल कर रहे हैं और कॉन्ट्रा स्ट्रैंगल कर रहे हैं, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पर इंडेक्स, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल वाले सब मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको ये जो ऑप्शन है इंडेक्स कवर्ड कॉन्ट्रा स्ट्रैंगल, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 9:30 बजे का समय सिलेक्टेड रहता है, तो आप 9:30 बजे के बाद में इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 9:25 के बाद में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 9:30 बजे का एक आइडियल टाइम होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी को 9:45 को यूज़ किया था। तो मैं आपको 9:45 के हिसाब से इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो 9:45 के हिसाब से देखिए, 9:30 के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट था, 9:45 मैंने 15 मिनट लेट कर दिया अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में, तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो 9:45 को मैंने इसको स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के एक एक लॉट बाय कर रहे हैं, 24,000 की कॉल और 22,000 की पुट, इन दोनों, ये आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट है बैंक निफ्टी की, इसको हम बाय कर रहे हैं, एक को 619 और एक को 620। ये दोनों ऑप्शंस हम ऐसे चूज़ करते हैं जिनकी प्राइजेस ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो ये तो हो गया हमारी बाइंग का, और साथ ही साथ हम निफ्टी के ऑप्शन सेल कर रहे हैं यहाँ पर 9,900 की कॉल और 8,300 की पुट। ये भी बहुत डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, करीब 1600 पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों कॉल एंड पुट के स्ट्राइक प्राइसेस में। तो एक को हम सेल कर रहे हैं 97 रुपीज में, एक को सेल कर रहे हैं 98 रुपीज में। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्मेट आपको नजर आएगा कि कौन से समय कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर एक समय 3,000 का प्रॉफिट आ चुका था, लेकिन मैं उसको किसी वजह से बुक नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। लेकिन उसके बाद में ये प्रॉफिट कम होता गया, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000 होता गया और फाइनली मैंने इस प्रॉफिट को करीब 3 बजे के आसपास बुक किया, जब ये ऑलमोस्ट 2100 से 2200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 3 बजे इसको बुक किया, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर 3:11 को तकरीबन हाईएस्ट प्रॉफिट इसने 3,800 रुपये का दिया था। तो मैं शायद 10 मिनट और रुक जाता तो जो मेरा 2200 या 2000 रुपये का प्रॉफिट था वो शायद बढ़कर 3,800 के आसपास हो सकता था। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था। तो 12:30 बजे जब मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तो फिर मैंने यहाँ पर 12:30 बजे एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो मैं आपको 12:30 बजे का भी इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो 12:30 बजे हमने क्या किया, 12:30 बजे भी जो है हमने ये जो ट्रेड आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर हमने 9600 की कॉल और 8500 की पुट निफ्टी की, जो तकरीबन 1100 पॉइंट की डिफरेंस में हुई। ये भी अगेन डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से, इन दोनों को ऑप्शंस के हमने दो दो लॉट सेल किए थे निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के 23200 की कॉल और 22600 की पुट, मतलब तकरीबन 600 रुपये का गैप है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर हमने इस बैंक निफ्टी के कॉल एंड पुट स्ट्रैंगल को हमने बाय किया था एक एक लॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑफ रिजल्ट, ये जो माइनस दिखा रहा है एक सिंगल टिक की वजह से दिखा रहा है कि फाइनल एक जो कैंडल है वो उस वजह से लॉस दिखा रहा है, बट अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स में प्रॉफिट में रहा था। तो यहाँ पर जब निकला था वो तकरीबन 3:05 का समय था, उस समय तकरीबन 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं 1000 या 1100-1200 के प्रॉफिट में निकल गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए 3:11-3:15 में लगभग 4000 रुपये तक का प्रॉफिट हो चुका था। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कहा था कि अगर मैं शायद 15 मिनट और रुक जाता था तो मुझे टाइम डिके का और ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता था, जो शायद मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाया इतना जल्दी, और मैं 3 बजे ही एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशंस को। अब मैं आपको अपने अपस्टॉक अकाउंट में ले जाता हूँ, लेकिन उसके पहले ले जाने के पहले अगर आपको इसको अपने अपस्टॉक अकाउंट में एग्जीक्यूट करना है इस ऑर्डर्स को, तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑर्डर्स का आपको ये बटन नजर आएगा, आप इस एग्जीक्यूट ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, आपको आपका अगर अलाइज अपस्टॉक में जिसमें भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट के साथ में आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए उन क्रेडेंशियल्स के साथ में, तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 9600 की कॉल है, मैं 2 क्वांटिटी 150 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, और 8500 की पुट वो भी 150 क्वांटिटी, मतलब कि 2 लॉट्स मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को मैं बाय कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और खास चीज़ इसके अंदर, क्योंकि अपस्टॉक जो है ऑप्शन सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में अलाउ करता है, और डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मार्जिन लग जाता है ऑप्शन सेलिंग का, तो हम इसको सिर्फ इंट्राडे में एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ऑप्शंस बाइंग जो है अपस्टॉक डिलीवरी के अलावा इंट्राडे में आपको ऑप्शंस बाय करने की परमिशन नहीं देता, तो हम यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसको हम डिलीवरी में बाय करते हैं। तो ये चीज़ का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपस्टॉक के अंदर हम आधी चीज़ इंट्राडे में आधी चीज़ डिलीवरी में, अल्टीमेटली हमको 3:15 सारी पोजीशंस को एग्जिट करना है, या जब भी हमको प्रॉफिट आ जाए हमको एग्जिट करना है। अब आपको एग्जिट कैसे करना है, आपको यहाँ पर टूल के अंदर एक रिवर्स का बटन नजर आएगा, आप रिवर्स के बटन पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ऑर्डर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। देखिए जो मैं पहले सेल कर रहा था इंट्राडे में, अब वो इंट्राडे में बाय आ गया है, और जिसको मैं डिलीवरी में बाय कर रहा था बैंक निफ्टी को, अब वो डिलीवरी में सेल आ चुका है बैंक निफ्टी के एक एक लॉट। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिवर्स एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको एग्जिट करना है तो आप रिवर्स का बटन यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैंने आज किया था तकरीबन 9:45 को और 12:30 बजे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे कुछ पर्सनल ट्रेड्स भी हैं, जो मैंने डिलीवरी में मेरे ट्रेड्स चल रहे थे हेजिंग के, तो आप जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये थोड़ा दूसरा प्रॉफिट भी कंबाइंड है इसके अंदर। मैं आपको आज की सिर्फ जो आज के ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं वही मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे और दूसरे ट्रेड्स भी हैं, तो आप इसके साथ कंफ्यूज ना होइएगा। ये टाइम स्टैम्प के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए 9:45 जो आप देख रहे हैं, 9:45:43 को यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया है ट्रेड को। ये देखिए दो लॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9900 की कॉल 8300 की पुट, दो दो लॉट हमने सेल करी है, और साथ ही साथ एक एक लॉट हमने बैंक निफ्टी का 24000 की कॉल और 22000 की पुट हमने यहाँ पर बाय किया 9:45:43 को। अब उसके बाद में और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 12:36 पे आप देख सकते हैं मैंने फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 9600 की कॉल और 8500 की पुट, ये दोनों के दो दो लॉट हमने सेल किए थे, और बैंक निफ्टी की 23,200 की कॉल और 22,600 की पुट, ये दोनों के एक एक लॉट हमने बाय किए थे 12:36, मतलब मैं 12:30 करना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो 5-6 मिनट बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, तो उस समय ये मैंने एग्जीक्यूट किया। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं मैं इसको निकला हूँ तकरीबन 3 बजे, आप देखिए 3 बजे के मेरे एग्जिट ऑर्डर्स है, तो ये 2:59:59 से 3 बजे मेरे एक सेट जो है मैंने 3 बजे एग्जिट किया, और एक सेट को मैंने 3:08 पर एग्जीक्यूट किया। और अब मैं यहाँ पर आपको अपने पोजीशंस में ले जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3578+5648-9968-9952+-3195-6367+9945+1157
तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट था दोस्तों वो तकरीबन रहा है 3274, ये दोनों स्ट्रेटेजी मिला के। हालांकि अगर मैं 10-15 मिनट और रुक जाता, 3:15 तक अगर मैं रुक जाता तो शायद ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6700 तक हो सकता था। अब ये स्ट्रेटेजी की खास बात ये है कि यहाँ पर हम जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं वो इस तरीके से चूज़ करते हैं कि इसके अंदर आपके एंड ऑफ डे जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम रह जाती है। लेकिन आपको इसके अंदर एक प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटेजी को आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन ही आप यूज़ कीजिए। मंडे और फ्राइडे को ये स्ट्रेटेजी हो सकता है आपको नुकसान दे जाए। तो इस स्ट्रेटेजी को आप ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जहाँ तक मार्जिन की रिक्वायरमेंट है तो मार्जिन अपस्टॉक जो है वो तकरीबन 3x का एक्सपोजर देता है इंट्राडे के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और अगर आपका प्रायोरिटी प्लान है, प्रायोरिटी प्लान में क्या होता है, 30 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज लगती है अपस्टॉक में। अगर आप प्रायोरिटी प्लान यूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 4x का एक्सपोजर मिलता है इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शंस बाइंग के अंदर, अपस्टॉक के अंदर कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो पूरा पैसा लगता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर। ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लॉट निफ्टी के कॉल के सेल करते हैं, 2 लॉट पुट के सेल करते हैं, तो तकरीबन यहाँ पे हम 4 लॉट सेल करते हैं। तो उस हिसाब से दोनों की हेजिंग पोजीशन और मार्जिन कंप्यूट किया जाए तो अगर आप नॉर्मल प्लान में काम करते हैं तो तकरीबन आपको 80,000 रुपीज़ तक का आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में तकरीबन 80,000 रुपीज़ तक का आपको मार्जिन लग सकता है अपस्टॉक के अंदर नॉर्मल प्लान में। और अगर आपका प्रायोरिटी प्लान है तो तकरीबन 70,000 या 65-70,000 रुपीज़ तक आपको मार्जिन लग सकता है ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में, वन सेट ऑफ स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। आपके व्यूज़, आपके सजेशंस आप हमको यूट्यूब वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ये स्ट्रेटेजी आप स्टॉक में अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और अगर आपका स्टॉक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा के स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अपस्टॉक अभी अकाउंट ओपनिंग जो है फ्री में कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास में अपस्टॉक में अगर आप फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी आप जीरोदा अपस्टॉक में भी, जीरोदा अलायंस ब्लू में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इसमें से काफ़ी कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं आपके रिजेक्ट हो जाए बिकॉज ये डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जीरोदा और अलायंस ब्लू में आप इसको एग्जीक्यूट अगर करना चाहें तो आपके ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाएंगे और ये स्ट्रेटेजी जो है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ अपस्टॉक के अंदर एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि अपस्टॉक के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपको एग्जीक्यूट या ट्रेड नहीं करने दिए जाते। आपको सारे ऑप्शंस, इंडेक्स के सारे ऑप्शंस अपस्टॉक में ट्रेड करने दिए जाते हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपस्टॉक में यूज़ कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने आखिर तक इस वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।